Dear friends, many a times my admirers question me that how you have acquired so much of knowledge, आपके पास इतना बड़ा शब्द भंडार कैसे है, इतना ज्ञान भंडार कैसे है। तो मैं आपको बताऊं इस छोटे वाक्य से कि मैट्रिकुलेशन की परीक्षा के पश्चात परीक्षा फल आने तक हमारे पास अवकाश ही अवकाश था। और ऐसे समय में मैंने हजारीबाग शहर की स्थानीय लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया जिसका नाम रुक्मिणी भवन था, और उस लाइब्रेरी की सभी हिंदी पुस्तकें, अनुदित रचनाएं और जो हिंदी भाषी पुस्तकें थी, यहां तक कि निबंध, ये तमाम चीजें मैंने पढ़ डाली। और जब मैं ये पढ़ रहा था तो मेरी मां को लगता था कि मैं लगातार उपन्यास पढ़ रहा हूं, न सोने की फिक्र, न जागने की फिक्र, न खाने की फिक्र, केवल मैं लगातार उन पुस्तकों में गुथा रहता था। मेरे पिता बाहर पदस्थापित थे और जब वो लौट कर आए तो उन्हें मेरी मां ने बड़े शिकायती लहजे में बताया कि कृष्ण दिन रात उपन्यास पढ़ता रहता है। सुनकर मेरे पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अगर वो पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा कर रहा है। पढ़ने की संस्कृति का लोप हो चुका है। मैं ये चाहूंगा कि आज का युवा वर्ग कुछ ना कुछ जरूर पढ़े। प्रत्येक दिन वो कम से कम 10 मिनट कुछ ना कुछ पढ़े, वो चाहे वृत्त पत्र हो, अखबार हो, समाचार पत्र हो, न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कॉमिक्स हो, चाहे वो अमर चित्र कथा हो, कुछ भी आप जरूर पढ़े। यहां तक कि गूगल में भी, या यहां तक कि आपके पास जितनी भी चीजें, उसमें भी पढ़ने की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध रहती है। तो आप पढ़िए और उसके बारे में पोस्ट कीजिए, मुझे शेयर कीजिए कि आपने कुछ पढ़ा है। ये 10 मिनट की पढ़ाई आपके जीवन को बदल देगा। हम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ पढ़ने का संकल्प लें, 10 मिनट के लिए ऐसे, लेकिन पढ़े जरूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।